हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम श्रम कानून अधिनियम से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ये करने वाला हूँ कि जितने भी अधिनियम या फिर एक्ट्स हैं, ठीक है, वो सभी अधिनियम कब का है, मतलब कौन से वर्ष का वो अधिनियम है और वह लागू कब हुआ था, ठीक है, इसको मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स की तरह मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से आपको एग्ज़ाम में अवश्य देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए ये जो वीडियो होगा 10 से 12 मिनट का मुश्किल से होगा, इससे भी कम ही समय में हो जाएगा। परंतु एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर आप इसको एक बार रिवाइज़ करके चले जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको कहीं से खोजना ना पड़े, इसलिए मैंने ये कोशिश किया है कि जितने भी एक्ट्स हैं लेबर लॉ से संबंधित, वो सारे एक्ट्स को क्यों ना एक ही वीडियो, एक ही स्लाइड के अंदर आपके लिए दे दिया जाए, ताकि आप उसको आसानी से याद करके और एग्ज़ाम में जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं अपने वीडियो की और देखते हैं कि कौन सा अधिनियम कब लाया गया था और वो लागू कब हुआ था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टेबल टाइप का फॉर्मेशन कर लिया हूँ, जिसमें लेफ़्ट साइड में आपको अधिनियमों का नाम देखने को मिलेगा, ये कौन से वर्ष का अधिनियम है और ये लागू कब हुआ था, मैं आपको सीक्वेंस में बताऊंगा, ठीक है। ये जितने भी अधिनियम्स हैं, एक्ट्स हैं, ये सब जो है ईयर वाइज दिया गया है कि पहले कौन से, पहले घटित हुआ है अधिनियम, पहले आया, फिर बाद में कौन, एक सीक्वेंस के रूप में दिया है तो आपको याद करना और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है मजदूरी भुगतान अधिनियम, ठीक है, याद रखिएगा मजदूरी भुगतान अधिनियम। ये जो अधिनियम है मजदूरी भुगतान अधिनियम का, ये 1936 का है, ठीक है, कब का है, 1936 का अधिनियम है। और ये जो लागू हुआ था, ये याद रखिएगा, लागू होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कब लागू हुआ। तो ये लागू हुआ था 23 अप्रैल 1936 को, ठीक है, याद रखिएगा कब, 1936 का अधिनियम। इस अधिनियम का पूरा नाम आपको इस तरह देखने को मिलेगा, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। लागू कब हुआ था, तो 23 अप्रैल 1936 को लागू हुआ था, ठीक है। दूसरा अधिनियम है औद्योगिक विवाद अधिनियम, ठीक है, याद रखिएगा, क्या है, औद्योगिक विवाद अधिनियम। ये जो अधिनियम है ये सन 1947 का है, ठीक है, याद रखिएगा कब का है, 1947 का है। और ये जो अधिनियम है वो लागू हुआ था 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1947 ईस्वी को, ठीक है। तो याद रखिएगा 1947 का है और लागू भी 1947 के अंदर ही हुआ था, बट 1 अप्रैल को हुआ था। तो यहाँ पे अगर दोनों को देखेंगे तो अप्रैल अप्रैल में हुआ था, तो एक सीक्वेंस की तरह मैं आपको लिख कर लाया हूँ। ये पहला अधिनियम जो था मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 का है, इसके बाद दूसरा औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है वो 1947 का है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद तीसरा आता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ये अधिनियम जो है ये सन 1948 का है, ठीक है, कब का है, सन 1948 का है। और जो ये लागू हुआ था 15 मार्च 1948 को, 15 मार्च 1948 को लागू हुआ था, कौन सा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ठीक है। इसके बाद अगला जो है मातृत्व हितलाभ अधिनियम, ठीक है, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो अभी चारों के चारों जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मातृत्व हितलाभ अधिनियम जो है, ये अधिनियम एक्चुअली में देखेंगे तो 1961 का अधिनियम था, ठीक है। मातृत्व हितलाभ अधिनियम कब का है, 1961 ईस्वी का था, ठीक है। परंतु हुआ क्या कि इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, ठीक है, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा के केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मातृत्व लाभ संशोधित अधिनियम 2016 लाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा 2016 में इस अधिनियम का क्या किया गया था, संशोधन कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, इसका डेट तो पता नहीं, बट अब याद रखिएगा कि ये अधिनियम कब का है, तो 1961 का है, लेकिन ये वापस से संशोधन कब किया गया, 2016 में। तो याद रखना, ये आसान है, क्योंकि जो 61 है, 61 को आप अगर उल्टा कर देंगे तो आपको 16 मिल जाएगा, ठीक है। तो मातृत्व हितलाभ अधिनियम में संशोधन 2016 में हुआ था, परंतु ये अधिनियम कब का था, 1961 का था, ठीक है। अगला है प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, ठीक है, कौन सा, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम। ये कब का अधिनियम है, क्या आपको पता है क्या, तो ये अधिनियम भी सन 1961 का ही है, याद रखिएगा। आपको क्या याद रखना है कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम जो है, ये अधिनियम भी 1961 का ही है।
देखिए मातृत्व हित लाभ अधिनियम और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, ये दोनों जो है एक दूसरे से संबंधित ही अधिनियम है, क्योंकि मातृत्व लाभ उसी को मिलेगा जो प्रसूति या फिर प्रसुविधा के पश्चात जो वो मातृत्व लाभ उनको मिलेगा। तो ये दोनों एक ही समय लागू हुआ था सन 1961 के अंदर, ठीक है, एक 1961 के अधिनियम के अंतर्गत ये दोनों लाया गया था 1961 के अंतर्गत। ये जो अधिनियम है इसको लागू किया गया था 12 दिसंबर 1961 को, ठीक है, डेट याद रखिएगा 12 दिसंबर 1961 को प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 को लागू किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे अगला जो है बोनस भुगतान अधिनियम, ठीक है, बोनस भुगतान अधिनियम जो है ये लाया गया था 1965 में, ठीक है, याद रखिएगा ये अधिनियम 1965 का अधिनियम है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम दो चार छः अधिनियमों का देखा कि ये वर्ष कब का है और लागू, जिसका भी लागू का डेट हमको कंफर्म है वो मैं आपके लिए लिखा हूँ और यही इम्पॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे लिखकर आपको दिया हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब के सब सीक्वेंस में दिया गया है तो आपको याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन से अधिनियम है, ठीक है। आगे जो हमारा बंधित श्रम पद्धति उत्सादन अधिनियम, ठीक है, बंधित श्रम पद्धति उत्सादन अधिनियम, ये अधिनियम जो है 1976 का है, ठीक है, 1976 का अधिनियम है और इस अधिनियम को लागू किया गया था 9 फरवरी 1976 ईस्वी को इसको लागू किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और जो अगला है समान पारिश्रमिक अधिनियम, ठीक है, समान पारिश्रमिक अधिनियम ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी 1976 का ही ये अधिनियम, ठीक है, याद रखिएगा। जितने भी अधिनियम बोल रहा हूँ वो उसके ईयर के साथ लिखा जाता है, जैसे समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ठीक है, आपसे लागू होने का डेट भी पूछ सकता है या कई बार से ये नहीं भी देगा तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो अच्छी बात यह है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम और बंधित श्रम पद्धति उत्सादन अधिनियम, ये दोनों अधिनियम 1976 को है और दोनों के दोनों अधिनियम जो है फरवरी 1976 में ही लागू किया गया था, ठीक है, फरवरी 1976 में, ये 9 फरवरी को और ये 11 फरवरी को लागू किया गया था। तो ये दोनों को आप एक साथ याद रखिएगा। इसके बाद अगला है बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है, बाल श्रम से संबंधित है। हालांकि ये सबको मैं पीछे कई वीडियो में ये सब का क्वेश्चन करा चुका हूँ प्रैक्टिस, परंतु मैं यहाँ पे केवल ये लागू होने का समय और ईयर को याद कराने के लिए एक ही जगह आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम जो है ये 1986 का अधिनियम है, ठीक है, 1986 का अधिनियम है और यह अधिनियम को 23 दिसंबर 1986 को लागू किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा आप, एक कारखाना अधिनियम 1948 को याद रखना है, ठीक है, ठीक है, कारखाना अधिनियम 1948, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1948, ठीक है, आज़ादी के बाद। हालांकि इससे पहले के भी 1881 में भी कारखाना अधिनियम आया था लॉर्ड रिपन के समय और 1851 में भी 91 के अंदर भी कारखाना अधिनियम आ चुका है, परंतु आज़ादी के बाद की मैं बात कर रहा हूँ कि कारखाना अधिनियम जो है कब का है, 1948 का है और इस अधिनियम को पारित किया गया था 23 सितंबर 1948 को, ठीक है, कब किया गया था, मैं पारित होने की, यहाँ पे जो 23 सितंबर 1948 है ये पारित होने का समय है, परंतु इस अधिनियम को लागू देशव्यापी पूरा लागू कब किया गया था, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1949 को इस अधिनियम को, कारखाना अधिनियम को लागू किया गया था, ठीक है। तो ये था पूरा जो इम्पोर्टेंट अधिनियम है, जो लेबर एक्ट्स थे उन सब का लागू होने का ईयर, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ और जो छत्तीसगढ़ के दृष्टि से जो श्रम विभाग का एग्ज़ाम होने वाला है उसके दृष्टि से इम्पॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं आपके यहाँ पर आपके लिए लिख कर लाया हूँ। तो क्या है कि छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का गठन, ठीक है, कौन से अधिनियम के तहत किया गया था, तो याद रखिएगा कि इसका जो अधिनियम है उसका नाम था असंगठित कर्मकार सुरक्षा अधिनियम 2008, ठीक है। तो ये अधिनियम कब का है, 2008 का अधिनियम है और इसका जब गठन हुआ था वो डेट को याद रखिएगा, डेट आपसे पूछा जाएगा कि 4 जनवरी 2011 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। अधिनियम कब का है, 2008 का है, परंतु इसका जो गठन किया गया था वो 4 जनवरी 2011 को गठन किया गया था। अच्छा, यहाँ पे जो असंगठित कर्मकार की बात किया गया है तो यहाँ पे कौन कौन से कर्मकार होंगे, तो कर्मकार भी याद रखिएगा एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है। तो 7 तरह के कर्मकारों की बात किया गया है।
पहला जो कर्मकार है जैसे धोबी होते हैं, ठीक है, ये सब असंगठित के अंतर्गत आते हैं। धोबी हो गया, दर्जी हो गए, तीसरा हो गया मोची, इसके बाद चौथे नंबर पे हो गया नाई, पांचवें नंबर पे रिक्शा चालक जो होते हैं, ठीक है, रिक्शा चालक, छठवां याद रखिएगा जैसे फुटकर जो सब्जी बेचते हैं ना, फुटकर वाले सब्जी विक्रेता जो होते हैं, ये सब भी किसके असंगठित कर्मकार के अंतर्गत ही आते हैं। और सातवें नंबर पे आ गया चाय ठेला वगैरह जो लगाते हैं, ये सब। तो ये सातों को याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शन देके कि इसमें से कौन सा असंगठित कर्मकार के अंतर्गत आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो ये सातों जो है असंगठित कर्मकार के अंतर्गत आते हैं इस अधिनियम के तहत। तो अधिनियम लागू हुआ था 4 जनवरी 2011 और ये सभी सात प्रकार के कर्मकारों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और अगला जो है हमारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संघ निर्माण कर्मकार मंडल, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये जो छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार मंडल जो है, इसका गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा इसका गठन 5 सितंबर 2008 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो इसका गठन 5 सितंबर 2008 ईस्वी को हुआ था। अच्छा, इसका अगर वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछ दे तो याद रखिएगा सुशील सनी अग्रवाल, सुशील सनी अग्रवाल, ठीक है, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, हमने जो जितना भी तरह का हमने अधिनियमों का लागू होने का डेट और वो कौन से कब का अधिनियम है, ये सारा चीज़ देखे। और यहाँ पे दो महत्वपूर्ण जो मंडल और संगठन है, इसका गठन कब हुआ था छत्तीसगढ़ के दृष्टि से, ठीक है ना। तो ये सब आपको एक बार एग्ज़ाम में याद करके जाना, एक बार रिवाइज करके अवश्य जाएगा, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है कि 1 से 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। इसलिए मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना कर लाया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें, तब तक के लिए धन्यवाद।